सामने ये क्या पूरा ऑथेंटिक मामला तरी है। थाना पलासिया पे जो प्रकरण अभी सामने आया है, कमल और विनोद जिसको कि पारस बोरासी के साथ विवाद हुआ, पारस बोरासी उनका पड़ोसी है, कमल विनोद के द्वारा कल घर के समक्ष में लाइट लगाई गई थी, उस लाइट को लेकर इन दोनों में विवाद था। सुबह कमल बोरासी ने इनके ऊपर हमला किया है जिसमें ईंट पत्थर भी चले हैं और उनके स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, जो भी उसमें कार्रवाई की जाए। यहाँ की वही नजदीक पे ही जो सर्वे टीम कार्य कर रही थी, कमल बोरासी यह प्रतीत हुआ कि मोबाइल से पुलिस को खबर कर रहे हैं, तो उसने वो मोबाइल लेकर उसको जमीन पे रख के तोड़ा है। किसी भी सर्वे टीम के साथ में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है, फिजिकल कोई मारपीट नहीं हुई है, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ पुलिस लगातार साथ है, 2400 घंटे हम लोग साथ हैं और तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस तरह की जो चीज़ है मारपीट वाली है, इसका हम लोग बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं हर जगह पर। और यहाँ की अभी कोई फिजिकल इनके साथ नहीं है, तो किन धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है? धारा 353 भी लगा रहे हैं क्योंकि ये साथी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और अन्य जो उसकी मारपीट की धाराएं हैं अभी मेडिकल कराने के बाद उस कार्रवाई को भी कार्रवाई कर रहे हैं और उस पर बड़ी प्रतिबंधक कार्रवाई भी सुनिश्चित करें। सर मगर ये टीम तो बता रही है कि उनके तक गला दबाने की कोशिश हुई, पत्थर से हमला हुआ है, मारने की बात भी कह रहे हैं। जो वर्जन है ये जिसमें कि मैडम वंदना है, शिल्पी जैन है, रोहित है, ये लोग सब साथ में है और इनके स्टेटमेंट प्रॉपरली लिखे जा रहे हैं, उस पर कार्रवाई की जा रही है। सर ये शराब भी बेचता है और इसका मैंने थाना प्रभारी को अवगत कराया है, जितना भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो समक्ष में लेकर और उसके ऊपर भी मैंने